मैं आज अल्लाह की बारगाह में अपनी जिल्लत पेश करके दुआ मांगना चाहता हूँ और अपने सर से अपनी इज्जत की ये अर्शों पे इस्तेवा किया जैसे तेरी शान है। ऐ आसमानों को उठाने वाले अल्लाह, ऐ जमीन को बिछाने वाले अल्लाह, ऐ सूरज को निकालने वाले अल्लाह, ऐ अंधेरों को लाने वाले अल्लाह, ऐ उजालों को लाने वाले अल्लाह, ऐ हवाओं को चलाने वाले अल्लाह, ऐ समंदर में मोती को पैदा करने वाले अल्लाह, ऐ हिरन के हिरन के नाफे में मुश्क को करने वाले अल्लाह, मेरे ख्याल में आज इतने बंदे कभी तेरे दर पे इकट्ठे नहीं हुए होंगे। आज करोड़ों का मजमा, आज करोड़ों माए, करोड़ों बुड्ढे बुढ़िया, जवान मर्द से बच्चे बच्चिया, सब तेरी रात तेरे दरबार में फकीर बनकर आए बैठे हैं। सारी दुनिया के बादशाह फकीर वकीरों को देख के गुस्से में आते हैं। तू वो फकीर है, तू वो बादशाह है कि जितने फकीर इकट्ठे होते हैं तो उतना खुश होता है, जितना तुझसे जिद करके मांगते हैं तो उतना ज्यादा खुश होता है। या अल्लाह, जब तुझे अपना दुखड़ा सुनाना चाहते, हमारा सबसे बड़ा दुखड़ा ये नहीं है कि कोरोना है, हमारा दुखड़ा ये कि आज तेरा बैतुल्ला वीरान है।